रजिया भी, कहाँ जा रही हैं आप? सगाई की अंगूठी तो दिखाइए। अरे कौन है आप? आप है कौन? मोना? भाईजान कहाँ है? डोंट वरी, थोड़ी देर में तुम अपने भाईजान को देख पाओगे। धुरंधर, मैं इस देश की खैरख्वाह बोल रही हूँ। देखिए, मैं कायदे प्लस कानून का बहुत ही सख्त आदमी हूँ और कानून की मदद करने वाली आप जैसी बहादुर लड़की का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। मतलब कितने खतरे उठाकर आप मुझे अलग अलग मुख्तलिफ नंबर से फोन करती हैं? फॉर द सेक ऑफ द नेशन, आई लाइक इट। बताइए इस बार क्या इन्फॉर्मेशन है? उन्होंने आपसे सगाई के बारे में झूठ बोला और अब तो वो सगाई की तारीख और वक्त के बारे में भी झूठ बोल रहे हैं। आज 5 बजे कोई सगाई की रस्म नहीं होने वाली। डॉली, आज शाम को कोई रस्म नहीं होगी, वो इस बात को जानते हैं। लेकिन वो इस बात को नहीं जानते कि हम इस बात को जानते हैं। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि वो ये नहीं जानते कि हम इस बात को जानते हैं कि आज शाम को कोई रस्म नहीं होगी। ज़ोया फारूकी, योर गेम इज ओवर। पर सर, उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि उनमें कितना प्यार है। इट्स अ शो ऑफ, ड्रामा, दिखावा। ज़ोया फारूकी इज अ क्रिमिनल एंड वी हैव टू कैच हर। ये कैमरा है, इस तरह का सेम एक और कैमरा मैंने वहां भी फिक्स कर दिया है, तो आपके डियर भाई जान आपकी सगाई का सारा फंक्शन लाइव देखेंगे इस कैमरा के थ्रू, और तुम उन्हें देखोगे इस आईपैड के जरिए। तुम्हें लगेगा ही नहीं कि वो तुम्हारे साथ नहीं है। एंड यू नो व्हाट, बोनस क्या है, तुम अपनी इस इमोशनल हम आपके हैं कौन मूवमेंट्स को ना बार बार भी देख सकते हो, क्योंकि ना सिर्फ ये कैमरा लाइव टेलीकास्ट दिखाएगा बल्कि ये सारी मूवमेंट्स को रिकॉर्ड भी करेगा। लेकिन मोना, इसकी क्या गारंटी है कि भाईचान ये देखेंगे? अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम नहीं जानते कि तुम्हारे भाईचान तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, वो जरूर देखेंगे। हाँ माना कि उनका एक स्क्रू थोड़ा सा ढीला है, मेरा मतलब है कि वो दूसरों की तरह नहीं है। तुम जानते हो वो कितने इंट्रोवर्ट हैं। उनके दिल में जो भी होता है वो अक्सर अपनी जुबान से नहीं कह पाते, पर इट्स ओके। शायद वो ऐसे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र में जिंदगी के बहुत सारे गम सहे हैं, बहुत कुछ देखा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर जज्बात ही नहीं है। आज के रोज वो तुम्हारे साथ होने के लिए कितने बेचैन हैं आयान, मैं ही जानती हूँ। सो डोंट वरी, वो तुम्हें जरूर देखेंगे। तुम्हें पता है ना तुम्हें 10 मिनट बाद क्या करना है एग्जैक्टली? आप बिल्कुल फिक्र मत करिए ज़ोया, हम सब ठीक कर देंगे। वैसे वहां सब ठीक है ना? वो थाल
वो तो आप ठीक से ले गई थी ना। Come on, तन्वीर। इस दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो जोया फारूक की परफेक्टली नहीं कर सकती, बताओ जरा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, ओके? तुम बस वो ख्याल रखना जो मैंने तुम्हें कहा है, राइट? ओके, अल्लाह हाफिज। जहर रजिया की सारी खुशियों को बर्बाद कर देगा और इसका इल्जाम आएगा बेचारी जोया पर। मेरा की दोस्त है नगमा। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अयान बेटा सब लोग तुम्हें पूछ रहे हैं, आओ। तुम भी आओ। जी अभी आती हूँ। अगर सगाई करना भी चाहो जैमी तो मैं होने नहीं दूंगी। हेलो। हाँ वो हम आपको ही ढूंढ रहे थे, वो आपको कुछ दिखाना है, आइए। मैं जल्दी से ना कैमरा का अडैप्टर थोड़ा और चार्ज कर लेती हूँ। एक्सक्यूज मी, आप कुछ ढूंढ रही है यहाँ पे? माशाल्लाह तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जी शुक्रिया, लेकिन माफ कीजिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं। पर मैंने पहचान लिया तुम्हें। उस रोज उस फैशन शो में वैसे कपड़े पहन के कुछ करने की जरूरत नहीं थी, उसे तुमसे मोहब्बत हो ही जानी थी। तुम्हें पता है अगर तुम किसी चीज को हासिल करना चाहते हो ना तो उसका एक ही फंडा है, हिम्मत दिखाओ, आगे बढ़ो और उसे हासिल कर लो। देर आए दुरुस्त आए। एक मिनट, आप वही है ना जिसने फैशन शो के दिन मेरी मदद की थी? फैशन शो के बाद मैंने आपको कितना ढूंढा, मुझे आपको थैंक यू कहना था, ना ही आपको थैंक यू कह पाई, ना ही आपका नाम जान पाई और ना ही आपका चेहरा देख पाई।
लेकिन आज आपका चेहरा मैं देख कर रहूंगी। कोई नहीं, मेरी अम्मी होगी। देखो मैं यहाँ बिन बुलाए आई हूँ, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, मैं वहां चुप जाती हूँ। जी अप्पू। क्या हुआ अप्पू, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि आज अपने जिंदगी के एक नए दौर में कदम रख रही है। अप्पू बेटा, जब तुम 4 साल की थी ना, तो रूही आपा की बेटी की निकाह में तुम्हारी अम्मी ने इसी तरह का जोड़ा तुम्हें पहनाया था। और तुम्हें उस वक्त भी तुम्हें देखकर मेरी आंखें भर आई थी। कमबख्त इन आंखों की फितरत आज तक नहीं बदली। ये मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी के लिए बनाया था। बल्कि ऐसे 2 बनाए थे। जब तुम छोटी थी तो मैं तुम्हें देना चाहता था, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने हमेशा मुझे रोक दिया कि मत दीजिए, वो मेरा तोड़ देगी। जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, तब उसे देना। इंतजार करते करते पता ही नहीं चला कि तुम कब इतनी बड़ी हो गई। लो बेटा। देखो मुझे अब निकलना चाहिए। हाँ ये मेरी बात तो सुनिए। कांग्रेचुलेशंस। पर सुनिए अपना नाम तो बता। आप अम्मी, ये मेरे दोस्त है गुल। वो मेरा की दोस्त है नगमा। गुल? अयान मियां तो कह रहे थे कि इनका नाम नगमा है। वो एक्चुअली क्या है ना कि मेरा पूरा नाम गुले नगमा है, तो कुछ दोस्त मुझे गुल कह लेते हैं और कुछ नगमा कह लेते हैं। सगाई की रस्म शुरू होने वाली है, मिस्टर खान को भी देखना शुरू कर देना चाहिए। तनु, हम लोग बाद में बात कर सकते हैं, मैं इस वक्त थोड़ा परेशान हूँ। हम जानते हैं कि आप परेशान हैं। जोया ने हमें सब बता दिया। क्या बताया मिस्टर रुकने? आप एक मिनट रुकिए, उन्होंने कहा था कि आपको कुछ दिखा दे। आइए। क्या ये सब? बस अभी आपको पता चल जाएगा, ये देखिए। लेकिन ये है क्या? आप देखिए तो अभी पता चल जाएगा।
मिस फारूकी। हेलो, ये आप क्या कर रही हैं? जी मिस फारूकी, इसी वक्त ऑफिस आई। देखिए मिस्टर खान, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है। आप देख रहे हैं ना यहाँ कितने लोग हैं, कितना शोर है। सर ये बताइए कि आपको मेरा सरप्राइज कैसा लगा? एक बात बताऊं, रिंग सेरेमनी बस शुरू ही होने वाली है। आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ मी टुडे, है ना? चलिए एंजॉय कीजिए, आई कैन जस्ट लिसन यू, ओके बाय। इस कदर लापरवाह, अगर किसी ने उन्हें बाहर देख लिया तो बहुत मुश्किल हो सकती है।